कौन सा स्टाफ हमारा 24x7 सेंटरों में चलेगा। तो अमरनाथ यात्रा का 2-3 सेंटर देखा है हमने, ठीक है। एक नई स्कीम जो शुरू की है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके पर्सनली मैं एक मीटिंग करूंगा, इट्स विल बी टोटल हेल्थ रिव्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मुझे एक नई शुरुआत है मेरी तरफ से, किश्तवाड़ और बाकी रियासी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हमने डोडा ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हमारा जो शेड्यूल था दैट वॉज फॉर रामबन, तो डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग जो हमने CMO साहब के साथ ली, हमारे साथ MSP हैं, BMO सारे आए हैं, उनका सारा जितना भी बाकी स्टाफ है, वी हैड ए वेरी गुड और मेटिकुलस एक हमने रिव्यू लिया है उसमें। तो कई चीज़ों की कुछ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी इनको हमने डिस्कस की है कि कहाँ कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, वो भी हमने नोट की हैं। हमारी तरफ से क्या क्या मदद मिल सकती है, या फिर हमारे BMO लेवल पे एट द लेवल ऑफ CMO और MS क्या क्या ये अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमने एनालाइज किया, काफ़ी चर्चा हुई है कि अमरनाथ यात्रा भी हमारे बिल्कुल ड्यू है, 29 जून को जो शुरू होने वाली है, और दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट रूट, और काफ़ी लोग जहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुकते हैं, तो उसका भी हमने रिव्यू लिया है। आते हमने 2 सेंटर भी चंद्रकोट में देखे हैं जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अच्छी अकोमोडेशन भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ रहती है। दूसरा सेंटर हमारा रोड साइड भी है, एक जगह 8-7 दिया जहाँ टेंट अकोमोडेशन होती है, तकरीबन लोग ब्रेकफास्ट वहाँ करते हैं, तो उस चीज़ का भी हमने रास्ते में देखा है। डॉक्टर साहब के साथ और BMOs के साथ हमने रिव्यू लिया है कि क्या क्या हमारी वहाँ तैयारियाँ होनी चाहिए, उसमें डॉक्टरों का लेके, पैरामेडिकल को लेके, मेडिसिन को लेके, इक्विपमेंट है, एम्बुलेंसेज हैं, कहाँ कहाँ पे वो डेजिग्नेटेड जगह हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर ली है। तो विद इन अ डे आर फ्यू हम रोस्टर भी तैयार कर लेंगे, और जितना भी हमारे पॉइंट्स वगैरह और डीसी साहब के साथ ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो उसके हिसाब से वी आर फुल्ली रेडी टू रिसीव अमरनाथ यात्री, और अच्छी एक यात्रा निकलेगी। देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया नहीं हूँ, लेकिन पहले 1-2 बार विजिट किया हमने, कुछ एक प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज बड़ा अच्छा चल रहा है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हैं, इंक्लूडिंग ब्लड बैंक, इंक्लूडिंग आपका सिटी स्कैन अच्छा चल रहा है, जहाँ पे ट्रामा सेंटर भी एक जहाँ पे, वहाँ डायलिसिस यूनिट भी चल रहा है जो बाहर लोगों को करवाने जाना पड़ता था, साथ साथ में ICU की भी फैसिलिटी है, कुछ ऑपरेशन थिएटर अच्छे बने हुए हैं, OPD और जन औषधि वाला जो है वो भी जहाँ फैसिलिटीज़ हैं। थोड़ा सा जो कुछ और इम्प्रूवमेंट हम ये कर सकते हैं कि बीच में हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है, कुछ एक स्पेशलिस्ट की कमी है, वो हम डिप्लॉयमेंट करके खासकर आई स्पेशलिस्ट की या गायनेकोलॉजिस्ट के बीच में दिक्कत आ रही है, वो भी हमने CMO साहब के साथ MS के साथ बैठ के बात की है कि कहीं ना कहीं से हम डिप्लॉयमेंट करके उसका भी काम अच्छा हम करेंगे। जहाँ पे एक कंप्लेन थी जो प्रीवियस विजिट में हमने देखी थी, उसका भी संज्ञान ले लिया हमने, और दोबारा मैं देखूंगा जाके कि छाते कुछ लीक करते थे जहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ एक हमारे पेडियाट्रिक या गायनी के HDU चलने थे, उनकी लीकेज प्रॉपर नहीं हुई है, PPR हमने बनाई थी, कुछ काम भी हुआ है, इन्होंने देखा भी है फिजिकली MS साहब ने, फिर भी लीक बंद नहीं हुई है। तो वी आर ऑलरेडी ऑन जॉब, इंजीनियरिंग विंग जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उनके साथ थोड़ा बैठ के हम दोबारा बात करेंगे, वो जल्दी से लीक का जो छत पे थी ड्यू टू सम सोलर प्लांट लगा था उसका रिमूव किया गया था, बट अभी भी थोड़ी लीकेज है, अपनी जल्दी वो ठीक कर ली जाएगी, और जितने भी वार्ड हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लगना था जल्दी हम शुरू करते हैं। अभी भी चर्चा हुई हमारी, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसमें कुछ एक बिल्डिंग हमारी बन रही है, कुछ क्वार्टर्स भी बन रहे थे उसमें, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितने भी हमने देखे हैं आगे जो कमियां हैं वो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड हैं,
एजेंसी से बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा एक जहाँ पे ट्रामा सेंटर भी चल रहा है वो भी हॉस्पिटल के अंदर, नॉर्मली होता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे है वहाँ ट्रामा सेंटर इक्विवेलेंट बिल्डिंग नहीं दी जाती है, बट समहाउ इट वाज सैंक्शन, वो अच्छी तरह बिल्डिंग भी बन गई है लेकिन कुछ सेक्शन चल रही हैं। हम सोच रहे हैं कि ट्रामा सेंटर को अलग से एक जो आइडेंटिटी है वो अगर देनी है तो कहीं ना कहीं और हमें शिफ्ट या रीलोकेट, मैं कहूँगा रीलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट वो बिल्डिंग जो है ट्रामा सेंटर की अंडर यूटिलाइज्ड है उसको हमने वार्ड में या किसी और सेक्शन में तब्दील करके एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे। कि इसमें भी चर्चा हुई है, आई कि हमारे पास डॉक्टर एक हैं, शी वॉज ऑन लीव लेकिन शायद वापस आ गई हैं, फिर भी किश्तवाड़ से हमारे डॉक्टर रोशनदीन जी हैं, वो आई स्पेशलिस्ट। दूसरा हमने कोशिश की थी कि जहाँ के लोगों को जितने भी कैटरेक्ट ऑपरेशन हैं वो हमारे पास मशीन हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डिप्लॉय करके जहाँ दो तीन कैंप किए थे, यदि को ऑपरेशन ऑफ सीएमएस साहब और एमएस, काफ़ी ऑपरेशन हमने कैटरेक्ट के किए हैं। कुछ एक जो अलग से ओटी एक ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे एनएचएम के अंदर, उसमें ओटी जो है अलग से आई का बनाने की जरूरत है, उसकी भी जगह आइडेंटिफाई कर ली है, कुछ ना कुछ जल्दी उसका भी हल निकालेंगे। क्यों सैटरडे संडे आई वॉज देयर एट बटोथ, अभी एम ओ साहब भी मेरे साथ खड़े, तो अदरवाइज हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड, साफ सफाई बहुत अच्छी लगी मुझे, कम स्टाफ होने के बावजूद भी सारी सेक्शनें इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई, इंक्लूडिंग वहाँ पे आयुष्मान भारत, वहाँ पे जान औषधि है, लेबर रूम इज़ देयर, थिएटर इज़ देयर, लेकिन सर्जन की कमी की वजह से थिएटर अभी फंक्शनल नहीं है। साथ साथ में कुछ एक क्वार्टर जो पैरामेडिकल के भी हैं वो बनने को ऑलमोस्ट 99% वो खत्म हो गए, कुछ एक पेंडिंग लाइबिलिटी करके उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। डॉक्टरों के जो क्वार्टर हैं उसके रेनोवेशन की थोड़ी ज़रूरत है, साथ में बाउंड्री वॉल जो है वो मैंने देखा है कि नहीं है, तो उसका भी हमने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है। कुछ ना कुछ डॉक्टरों की डिप्लॉयमेंट करके थिएटर को भी चालू करने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज हैं, बाकी काम बहुत अच्छा चल रहा है, इज़ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, बड़ी साफ सफाई से बोला कि जैसे रिले हमने रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ कर रहे हैं, तो जल्दी ही हमारी एक और लिस्ट डॉक्टरों की निकलने वाली आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट, कहीं ना कहीं हमें मेडिकल ऑफिसर भी मिलेंगे, हो सकता है वही मेडिकल ऑफिसर कोई सर्जन भी होंगे, तो उसको डिप्लॉयमेंट करके हम जल्दी जल्दी उसको प्रेशरलाइज करेंगे। एजेंसी हॉस्पिटल है जिसको सीएचसी का दर्जा ऑलरेडी एनएचएम स्कीम के लिए हमने दे दिया, साथ साथ में उसमें बाउंड्री वॉल जैसे नहीं है आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट वगैरह भी है, उसका भी संज्ञान हमने संडे को लिया था, आई वॉज देयर विद बीएम। हमने पुराना टीबी अस्पताल भी देखा, उसमें कुछ एक नया अंडर एनएचएम ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट 20 बेडेड का, वो भी हमने मंजूरी ले दी है, तो उसका भी काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। कुछ एक ज़मीन जो इंक्रोस्ड आप कह रहे हैं जा करें कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, वो एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए कुछ हमारे पास प्रपोजल आया, तो विद आर 30,000 टेकअप कर रहे हैं। बाकी जितनी भी ज़मीन है उसकी हम कम से कम बार्बर्ड वायर से चार दीवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका अच्छी तरह एक अच्छे हॉस्पिटल के विद इन बाउंड्री वॉल होगा। कमी है हमारे पास तो कुछ डेंटल सर्जन भी हमारे अच्छे वर्कर थे, हमने चाहते हैं कि एक अच्छा वर्कर चाहे वो डेंटल सर्जन हो चाहे मेडिकल वाला हो, उनको भी अगर जिम्मेवारी दी जाए, अगर जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बीडीएस एंड एमबीबीएस, एज ए बीएम कुछ अपनी क्वालिटीज़ होती हैं वो इनमें हैं, तो कर रहे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं लगता मुझे कि बीएम डेंटल वालों को नहीं बना सकता। ठीक है, सेक्शन भी अच्छी चल रही है, डेंटल टेक्नीशियन भी है, आई थिंक दे आर डूइंग गुड।